अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर में लास्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी है। लेट्स सपोज सम हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन के को क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है और एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है इस तरह से HCl। इसमें इस शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन को बेसिकली तो सेंटर में रहना चाहिए, लेकिन क्लोरीन इसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। दिस अबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इट सेल्फ इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। हेयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज 3.2 एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 2.2। सॉरी, दिस इज 3.2 एंड दिस इज 2.2। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड डिस्कस किया है। ये भी इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन है, तो लाजमी बात है जिसका साइज छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड अलोंग द पीरियड। अब देखते हैं पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स हम जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, साइज ऑफ एटम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है जी। और साइज डिक्रीज होने की वजह से, डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब है स्मॉलर साइज जो है वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए अलोंग द पीरियड हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, इट विल इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। सेकेंड हम बात करते हैं डाउन द ग्रुप। आप देखते हैं कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से चेंज हो रही है। जब हम एक पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम यानी डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऐड हो रहे हैं, लेकिन इन द न्यू शेल, दैट इज वाई साइज ऑफ एटम ऑफ एन एटम विल इंक्रीज। साइज बड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगी। हैंस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीजेस। साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इट्स ट्रेंड इन द थर्ड चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री 9th। क्लियर?